मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक एजुकेशन के ऑनलाइन चैनल पर। इस वीडियो में हम जो नई नई नियुक्तियां हुई हैं, वर्तमान में कौन किस पद पर है, कौन किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो यहां से भी क्वेश्चन हर प्रकार के पेपरों में यूपीपी यूपीएसआई, खासकर ये जो पेपर होने वाला है आरओ, इसमें भी यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए देख लेते हैं वर्तमान में कौन किस पद पर है, क्योंकि यहाँ से भी दो चार क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो आप एक बार देख लेंगे तो आपके पेपर में यहाँ पर जो अभी जो पेपर होने वाले हैं और आने वाले 5-6 महीनों में जो भी पेपर होंगे, उन सब के लिए यहाँ पर सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक बार अच्छे से देख लीजिए कौन किस पद पर है। इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको पता भी होगी, फिर भी एक बार रिवीजन हो जाएगा तो अच्छा है। चलिए देख लेते हैं। वर्तमान में सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी हैं। सेबी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? सोमा मंडल है। अगला देखते हैं, ई बाइक गो के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? हरिभजन सिंह बनाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक कौन है? राकेश अस्थाना है। अगला देखते हैं, मेघालय के नए राज्यपाल कौन बनाए गए? सतपाल मलिक बनाए गए हैं। वर्तमान में नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है? सीएजी, जिसे कैग बोलते हैं। ये क्या करता है? जांच करता है भारत सरकार ने कहां कितना खर्चा किया है, सारे पैसों का जांच करता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है? गिरीश चंद मुर्मू वर्तमान में नियंत्रक महालेखा परीक्षक है। अगला देखते हैं, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है। दरअसल जो राज्यों में होते हैं राज्यपाल बोलते हैं, जो केंद्र शासित प्रदेशों में होते हैं उन्हें उपराज्यपाल बोलते हैं। तो जम्मू कश्मीर आप जानते हो केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहां पर मनोज सिन्हा है। सीआरपीएफ का महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो पी एस रानी से ये जो है सीआरपीएफ के महानिदेशक बनाए गए हैं। अगला देखते हैं, यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? प्रदीप कुमार जोशी। यूपीएससी जो आईएएस की परीक्षा कराती है, आईएएस आईपीएस, तो उसके अध्यक्ष कौन है? प्रदीप कुमार जोशी। नए चुनाव आयुक्त कौन बनाए गए हैं? तो राजीव कुमार, ये नए चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। भारत में चुनाव कराना नए चुनाव आयोग का काम होता है। वर्तमान में सेबी के प्रबंध निदेशक कौन है? अश्विनी कुमार भाटिया सेबी के प्रबंध निदेशक हैं। आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री, आइवरी कोस्ट एक देश है, उसके नए प्रधानमंत्री कौन है? तो हामिद वाकायाको। तो साल में जो चर्चा में रहे व्यक्ति हैं उनको भी जान लेते हैं, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। नियुक्ति के साथ साथ ये भी क्वेश्चन आता है कि यह व्यक्ति चर्चा में रहा, या फिर इस देश के नए प्रधानमंत्री नए राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं, तो आप इसको भी देख लीजिए। गुयाना के नए राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं? अलेक्जेंडर लुकाशेंको, ये गुयाना के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। पेरू के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं? तो वाल्टन रोजर मार्तोस, ये पेरू के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। श्रीलंका के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? महिंद्रा राजपक्षे, जो कि चौथी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। श्रीलंका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो गोतबाया राजपक्षे, जो कि महिंद्रा राजपक्षे के छोटे भाई हैं, और इन्होंने ही उनको शपथ दिलाई थी, क्योंकि राष्ट्रपति शपथ दिलाता है श्रीलंका में। आगे देख लेते हैं, कुछ साल भर में कुछ चर्चित व्यक्ति जिनकी मृत्यु हो गई है, क्वेश्चन आ जाता है ऐसे पेपर में आ जाता है कि यह व्यक्ति हाल ही में, इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई या इसका संबंध किस क्षेत्र से था या फिर किस खेल से था, तो आप इनको अगर एक बार जानते रहेंगे, एक बार देख लेंगे कि ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो इनसे क्वेश्चन जो भी आएगा आप कर लोगे। चलिए देख लेते हैं, अनिल मूर्ति का निधन हुआ है, ये मलयालम फिल्मों के अभिनेता थे। केवल आप ये जानते रहिएगा, क्वेश्चन आ जाएगा अनिल मूर्ति, हाल ही में अनिल मूर्ति का निधन हो गया, इनका संबंध किससे था? फिल्म क्षेत्र से, पत्रकारिता से, खेल क्षेत्र से, कुछ भी हो सकता है। तो आप जूडो कराटे से, तो आप यहाँ पर अगर एक लाइन जानते रहोगे कि ये इनका संबंध फिल्मों से था। पंडित जसराज जी का निधन हो गया है, ये क्या थे? शास्त्रीय संगीत के गायक थे पंडित जसराज जी। हाल ही में रसेल कीर्स का निधन हो गया है, ये कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। गोपाल स्वामी का निधन हो गया है, तो ये गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन का निधन हो गया, ये क्या थे? ये क्रिकेटर थे, भारत के पूर्व क्रिकेटर थे। हाल ही में अमर सिंह का निधन हो गया है, ये क्या थे? समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता थे, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, इब्राहिम अलकाजी का निधन हो गया है, ये क्या थे? रंगमंच कलाकार थे। विलियम क्रिक, इनका भी निधन हो गया है, ये क्या है? इंग्लिश कंप्यूटर माउस के सह आविष्कारक थे, मतलब जो कंप्यूटर में जो माउस होता है उसके खोज जो किया था डगलस एंजलबर्ट ने किया था माउस का खोज, तो उसके सहयोगी थे ये विलियम क्रिक्स, इंग्लिश। शिवाजी राव पाटिल का निधन हो गया है, ये क्या थे? महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे, और किस पार्टी के थे? कांग्रेस से थे, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, सादिया देहलवी का निधन हो गया है, ये क्या थी? लेखिका थी। सरील अंगरो का निधन हो गया है, ये क्या थे? ये भी लेखिका है। मनतोम्बी सिंह का भी निधन हो गया, ये क्या थे? फुटबॉलर थे,
जी के मेनन का निधन हो गया, ये पत्रकार थे। राहत इंदौरी का निधन हो गया, इनको तो आप जानते होंगे, शायर हैं। चलिए आगे देखते हैं कुछ नई नियुक्तियां, जो इस साल कुछ नई नियुक्तियां हुई है नए नए पदों पर, उसको भी देख लेते हैं। हालांकि इसमें तो जो शुरू में आप देख रहे हो राष्ट्रपति के बारे में, तो इनको तो आप जानते हो, लेकिन कुछ और भी चीज़ें हैं जो आप नहीं जानते, तो उनको भी देख लेते हैं। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो रामनाथ कोविंद है, तो जनरल चीज़ें आप जानते हो। उपराष्ट्रपति कौन है? एम वेंकैया नायडू हैं, आप जानते हो। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? तो जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभा पदेन सभापति होता है, आप जानते हो, तो एम वेंकैया नायडू ही होंगे। आगे चलते हैं, राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो ये आपको याद रखना होगा, हरिवंश नारायण सिंह। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला, आप जानते होंगे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? शरद अरविंद बोबडे मुख्य न्यायाधीश हैं, आप जानते हो। आप अगर ये जानते हो कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे हैं, तो आपको ये भी पता होगा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है वर्तमान में, और जब शुरू में बना था तब कितना था। चलिए आगे देखते हैं, वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। वर्तमान में नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू है, पीछे एक बार चर्चा हो चुकी है। वर्तमान में भारत के लोकपाल कौन है? पिनाकी चंद्र घोष है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? केकू वेणुगोपाल, के वेणुगोपाल ही वर्तमान में महान्यायवादी है। महान्यायवादी को भारत का प्रथम विधि अधिकारी भी बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत के चीफ डिफेंस स्टाफ CDS, तीनों सेनाओं में समन्वय बनाने के लिए एक CDS पद की स्थापना की गई है। तो कौन है CDS, चीफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जनरल बिपिन रावत। इनके बारे में पिछले वीडियो करंट में आपको बताया गया है, आप उस वीडियो को देखकर इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है इस समय? इस समय गुलाम नबी आजाद है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, वर्तमान में थल सेनाध्यक्ष कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवड़े, आप जानते होंगे, इनको सुने होंगे नाम। वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष कौन है? राकेश कुमार भदौरिया है। वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष कौन है? करमवीर सिंह है। वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गौबा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, वर्तमान में गृह सचिव कौन है? तो अजय कुमार भल्ला है। वर्तमान में वित्त सचिव कौन है? तो अजय भूषण पांडे है। वर्तमान में विदेश सचिव कौन है? तो हर्षवर्धन श्रृंगला है। वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अजीत डोभाल जी हैं, डोभाल, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। आगे चलते हैं, एक दो क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं, अतः आप इनको अच्छे से एक दो बार देख लीजिएगा, या फिर जो आपको इंपॉर्टेंट लगे अलग से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में जरूर मिलेंगे आप। और केवल यही जो तुरंत के पेपर है यहीं से नहीं, आने वाले 6-7 महीनों में जो भी पेपर होंगे यहां से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्योंकि ये जो नियुक्तियां हुई हैं ये 3-4 साल के लिए हुई हैं, तो आपको लिए इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? जी सतीश रेड्डी हैं। भारत सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? के विजय राघवन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वर्तमान में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? प्रसून जोशी हैं। फिल्म को जो प्रमाण पत्र दिया जाता है कि फिल्म सेंसर बोर्ड, जो आप नाम सुने होंगे सेंसर बोर्ड, तो सेंसर बोर्ड प्रमाणित करता है कि यह फिल्म पास किया जाए कि नहीं, ना तो फिल्म को प्रतिबंधित करके रोक लगा दिया जाता है, तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? प्रसून जोशी हैं। आगे चलते हैं, प्रसून जोशी एक गीतकार भी हैं, आप जानते रहिएगा। प्रसून मींस क्या होता है? अगर आप हिंदी पढ़ोगे तो आपको पता होगा प्रसून मींस क्या होता है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ये तो जानते हो, जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, ये तो सब जानते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो समझिएगा। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार है, याद रखिएगा। राजीव राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? भगवान लाल साहनी है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? HL दत्तू हैं, पूर्व न्यायाधीश भी रह चुके हैं। महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन है? सुरेश चंद्र शर्मा है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष कौन है? संजय कोठारी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, केंद्रीय सूचना आयुक्त कौन है? विमल जुल्का है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? YV रेड्डी है। कोई पुराना अगर इसमें तैयारी करने वाला होगा तो उसे पता होगा कि 14वां वित्त आयोग बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि उसमें 14वां ही था, लेकिन अब 15वां आ गया, तो आपको 15वां 14वां दोनों याद रखना होगा। NK सिंह 15वें के हैं और 14वें के थे YV रेड्डी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के अध्यक्ष कौन है? धीरेन्द्र पाल है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, रेलवे बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? विनोद कुमार यादव है, इंपॉर्टेंट है। प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत बीमा नियामक विकास प्राधिकरण IRDA के बारे में आप बहुत सुने होंगे,
ये बीमा कंपनियों पर नियंत्रण रखती है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो सुभाष चंद्र है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वर्तमान में जनगणना आयुक्त कौन है? विवेक जोशी है। ये जो जनगणना कराई जाएगी अब 2021 वाली, उसके जो आयुक्त बनाए गए हैं वो विवेक जोशी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पर नई नई जो नियुक्तियाँ हुई कंप्लीट हुई होते हैं, इन सबको आप दो बार तीन बार जरूर वीडियो देखकर रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि दो या तीन क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं, अतः आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। कोई भी पेपर हो, यूपीपी हो, यूपीएसआई हो, यूपीपीसीएस हो, या फिर कोई भी पीसीएस हो, या फिर जो आरओ वाला पेपर होने वाला है, यहाँ बड़ी मात्रा में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, और प्लस जनरल नॉलेज के लिए भी आपको इसको तैयार रखना है, अतः आप इसको अच्छे से रिवीजन करके याद कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए।